हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ मई फर्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस होंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट, आपका सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पहली बार विजिट कर रहे हो आज हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीडियो। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे, करेक्ट आंसर आप अपने माइंड में गेस कीजिए। जो करेक्ट आंसर होगा मैं साथ साथ आपको बताते भी चलूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इट्स मैंडेटेड टू हैव विच कलर नंबर प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन से कलर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे नंबर प्लेट मैंडेटरी हो गया, इसका आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने अभी तक आंसर गेस कर लिया। एक्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा जिसका ऑप्शन नंबर है ग्रीन कलर। सेकंड क्वेश्चन इज विच कंट्री इज प्लानिंग टू चेंज इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता। जकार्ता इसकी प्रेजेंटली कैपिटल है, इसकी कैपिटल चेंज होने वाली है, पानी में डूब रहा है इसकी कैपिटल, तो कौन सी कंट्री है जी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली फर्स्ट आ गया, ठीक है। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन कार लोन। तो ग्रीन कार लोन कौन सा बैंक प्रोवाइड करेगा, लो इंटरेस्ट रेट्स पे लोन प्रोवाइड करेगा ताकि कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लो। तो दिस वाज स्टार्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू स्टार्ट एयरलाइन टू फ्लाई प्लास्टिक फ्री। तो कौन सी कंट्री की एयरलाइन बन गई जो प्लास्टिक फ्री स्टार्ट कर दी है जिसने। करेक्ट आंसर होगा, आई होप आपने गेस कर लिया। एक्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए इज द एतिहाद एयरवे यूएई। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाइक कस्टम ड्यूटी ऑन विच फ्रॉम 30% टू हाउ मच परसेंट। तो कितने परसेंट बढ़ा दी गई ये आपको गैस करना है। आई होप आपने गैस कर लिया। तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, एक्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 40%। ओके, थोड़ी जल्दी भी करते हैं एंड आंसर मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहा, मैं ऑरली आपको बता रहा हूँ, बट जो आपको पीडीएफ मिलेगा आपको आंसर मार्क मिलते रहेंगे। इससे होगा कि थोड़ा सा टाइम मैनेज हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा वीडियो। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2019। इंडिया का रैंक कौन सा रहा, टॉप्ड बाय स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय सिंगापुर एंड यूएसए। तो हमारा रैंक कौन सा रहा, रैंक रहा था हमारा ऑप्शन नंबर बी 80। ओके, देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आरबीआई वुड सून इशू न्यू करेंसी नोट्स इन ग्रीनिश येलो कलर। तो कितने रुपए का नया नोट है कि सामने आपके दिख रहा है 20 रुपीज का। एक्जैक्टली इसमें एलोरा की पिक्चर होगी जो बैक साइड पे होगी एंड इस पे जो साइन होंगे हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रिसेंटली बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड हैड साइन एग्रीमेंट विद विच बैंक। फाइनेंस करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को जो बड़े बड़े जेसीबीज वगैरह बड़े बड़े टैंकर्स बनाती है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। तो कौन से बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट गाड़ी नहीं है, स्विफ्ट की फुल फॉर्म है जी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। बाहर के बैंक के साथ लेन देन जो भी करना होता है फाइनेंशियली तो वो स्विफ्ट कोड की हेल्प से ही होता है। तो जो न्यू सीईओ अपॉइंट हुए, करेक्ट आंसर होगा जेवर पेरेस डेसो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विद इकमांगा अवार्ड 2019। थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में होता है, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो ये दिया गया साउथ अफ्रीका की जाक कालिस को फॉर द कंट्रीब्यूशन इन क्रिकेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जाक कालिस। ओके, देन हु हैज वॉन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019। तो किसने जीत लिया जी 2019 का खिताब, ये जीत लिया जी वेल्टेरी बोटास ने। ओके, ग्रैंड प्रिक्स जीती थी बरहीम, ग्रैंड प्रिक्स जीती थी लिवाइस हैमिल्टन ने, वो भी आपको ध्यान रखना है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2019 की वेल्टेरी बोटास। देन वेयर डिड रशियाज प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुटिन एंड नॉर्थ कोरियाज प्रेजिडेंट जिम कोंग होल्ड फर्स्ट समिट टॉक ऑन अप्रैल 2019। तो कहाँ पे ये समिट हुआ था, करेक्ट आंसर होगा जिसका आई होप अपने गेस के लिए, एग्जैक्टली व्लादिवोस्टोक। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन हु बैन द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड अनमैन्ड एयर क्राफ्ट इन अप्रैल 2019 टू सिक्योरिटी रीजंस। तो कौन से कंट्री ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ड्रोन्स वगैरह को बैन कर दिया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। देन रिसेंटली इन विच लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ट्रांसलेटेड। तो कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है आपको बताना है, करेक्ट आंसर होगा कौन का नहीं। ओके, एंड दिस वाज ट्रांसलेटेड बाय प्रोफेसर स्टेफन कोरिडस प्रीम्यूट। व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है, मई मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे 1 मई। ओके, निकासो की डाटा हु पास अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इथियोपिया। देन वाज द ओनली रेसलर हु वॉन गोल्ड मेडल एट 2019 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन चाइना। तो एक ही हमने गोल्ड जीता था, तो किसने जिताया था जी हमें ये आपको बताना है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया। ओके, देन रिसेंटली बीसीसीआई नॉमिनेट्स हाउ मेनी क्रिकेटर फॉर अर्जुन अवार्ड। तो 4 क्रिकेटर्स नॉमिनेट हुए, तो आपको बताना है कि कितने हुए थे जी, टोटल 4 हुए थे। ये 4 कौन कौन से हुए थे, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी एंड पूनम यादव। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी,
रविंदर जडेजा एंड पूनम यादव, ये चार प्लेयर नॉमिनेट हुए ओके फॉर अर्जुन अवार्ड। देन पाकिस्तान एंड विच कंट्री साइन एग्रीमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मैन मिशन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए चाइना। विच कंट्री हैज लॉन्च एवरेस्ट क्लीनिंग कंपेन, 45 डेज का क्लीनिंग कंपेन चलाया, एक स्पेशल टीम भी भेजी है टू रिमेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को इस कंट्री में सागर माता बोलते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी नेपाल। Then which will launch an awareness program on goods and services tax in collaboration with Bombay Stock Exchange? So IGNO and Bombay Stock Exchange milke awareness program chalayenge GST pe. Option number B is ka correct answer. Japan ambassador to India Kenji Hiramatsu inaugurated Japan Indian Institute for Manufacturing invested. To kahan pe open hua ji? Iska udghatan kiya India's ambassador to Japan hai Sanjay Kumar Verma, wo bhi dhyan rakhna. Japan ambassador to India hai Kenji Hiramatsu. To kahan pe inaugurate hua Japan India Manufacturing Unit? Correct answer is option number A Andhra Pradesh. Then which defense organization has signed pact with NHPC for construction of tunnels on China and Pakistan border? Correct answer hoga iska exactly, correct answer is option number B Indian Army. Then which city hosted Run to Vote mini marathon on April 2019 to aware people about the voting and about electronic voting machine? Kahan pe hua tha Run to Vote my mini marathon? Correct answer is Leh Ladakh. Then recently Environment Ministry constitutes a committee to implement National Clean Air Program, which aims to reduce 20-30% particulate matter in at least 120 cities by which year? तो कौन सा year set किया गया around 20-30% particulate matter को कम करने के लिए? This committee is formed by Environment Ministry. Correct answer होगा इसका 2024 and Union Minister for Environment, Forest and Climate Change is Dr. Harshvardhan Vardhan. Okay, correct answer is इसका option number D 2024. Then who has become the first Indian to break into the top 25 of the International Table Tennis Federation ranking recently? जारी रैंकिंग में टॉप 25 में आ गए, 24th रैंकिंग है इसका, करेक्ट आंसर होगा जी साथियां। ओके, देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑफिसर ऑन द स्पेशल ड्यूटी इन द ऑफिस ऑफ लोकपाल? एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दिलीप कुमार। हमारे फर्स्ट लोकपाल कौन है जी? पीसी घोष। देन रिसेंटली विच बीन साइन पैक्ट विद विच कंपनी फॉर ऑफरिंग टू व्हीलर इंश्योरेंस टू कस्टमर्स ऑन व्हाट्सएप? किसके साथ समझौता हुआ विश्व एक इंश्योरेंस कंपनी टू व्हीलर्स की? Correct answer होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। ओके, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्पोर्ट विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि मिलिट्री पे सबसे ज्यादा स्पेंड करने वाला चौथा सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा बन गया जी? सबसे पहला तो पता होना चाहिए, सबसे पहले चौथा, तो बाद में यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया नंबर तीन पे, एक दो तीन, चौथे नंबर पे हमारा अपना प्यारा भारत इंडिया। ओके, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टिमेट्स परसेंटेज ऑफ कंट्रीज ग्रोथ रेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो कितना फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो एक्सपेक्टेशंस जो एस्टिमेट लगाया गया बाय इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा, करेक्ट आंसर इज 7.3%। ओके, ये मैं आपके साथ तीन चार बार शेयर कर चुका हूँ, जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो डिफरेंट डिफरेंट एस्टिमेट्स आए वर्ल्ड बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मॉनिटरी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा। देन वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश प्रेजिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, ठीक है, तो अक्टूबर से अपनी पोजिशन एज ए प्रेजिडेंट ज्वाइन भी कर लेंगे, करेक्ट आंसर होगा इसका एग्जैक्टली पिक्चर से तो पहचान गए श्रीलंका के काफी फेमस विकेट कीपर एंड काफी अच्छे बल्लेबाज कुमार संगकारा। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा 19.1 स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन स्टार्ट हुई थी गोवा कोस्ट में? करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। द यूएन डेजिग्नेट्स जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज द ग्लोबल टेररिस्ट? ओके, देन विच इंडियन शूटर हैज बीन रैंक वर्ल्ड नंबर वन इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? तो कौन हो गए जी टॉप 10 में शामिल होने वाली, ठीक है, नंबर वन बन गई है जी? करेक्ट आंसर होगा जी अपूर्वी चंडेल। ओके, कहाँ की है? जयपुर की। देन विच कंट्री बिकेम इंडियाज टॉप ऑयल सप्लायर इन 2018-19? सबसे ज्यादा सप्लाई हमने लिया है इस इन कंट्री से, पहले सऊदी अरेबिया से लेते थे बट टॉप पे आ गए जी इराक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जस्टिस अबे श्रीनिवास ओका हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के अपॉइंट हुए जी? करेक्ट आंसर कर्नाटक। ओके, राजेंद्र भट्ट भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए राजस्थान के, ठीक है, एंड उसके बाद प्रदीप नंद्रा जो वो भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे बॉम्बे हाईकोर्ट के। ओके, विक्रम नाथ भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए आंध्र प्रदेश के, वो भी आपको ध्यान रखना है, एंड पी आर रामचंद्र मेनन भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए छत्तीसगढ़ के। देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो कौन अपॉइंट हो गए जी? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। Then how many environment activists have were conferred with Goldman Environment Prize? तो कितनों को सम्मानित किया गया? Correct answer होगा 6 persons. Okay? And total 6 persons की डिटेल भी आपके सामने लिखी है, आप इसको का स्क्रीनशॉट है वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। This prize is also known as Green Nobel Prize.
Where has the recent cyber practice been organized? कहाँ पे organize करेगी to be aware about the cyber hacks, ठीक है, cyber attacks के बारे में aware करने के लिए? New Delhi में. Recently, former chairman was awarded France highest civilian honor. ISRO के former chairman थे 2015 से 2018 तक. इन्हें सम्मानित किया गया फ्रांस का हाईएस्ट सर्वोच्च सम्मान से. करेक्ट आंसर ए के एस किरण कुमार. Then on which day World Press Freedom Day is observed? कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 3 मई. 3 मई इज द करेक्ट आंसर. आई होप आप गेस कर रहे हैं जब तक मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. ओके, विच कंट्री बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया आफ्टर मॉरिशस एंड सिंगापुर. तो तीसरा सबसे बड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारे इंडिया में कौन सा कंट्री बन गया? करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड्स. ओके, देन उसके बाद रिसेंटली विच कंट्री प्रेजिडेंट हैज साइन इन टू लॉ डेट एम्स टू एक्सपेंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंटरनेट. गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल चाहती है अपना इंटरनेट पे. तो कौन सी कंट्री का ऐसा साइन करने के लिए एक लॉ में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रशिया. ओके, देन रिसेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज अपॉइंटेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर. क्या नाम है इनका जिन्होंने फर्स्ट वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया? करेक्ट आंसर होगा जयश्री व्यास. देन विच टेलीकॉम कम्युनिकेशन लॉन्चेस भारत फाइबर फॉर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट विद लोकल चैनल इन पार्टनर इन पुलवामा. तो कौन सी किस कम्युनिकेशन टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने स्टार्ट किया जी? करेक्ट आंसर होगा BSNL. जो दीज कंपनीज विल हैव इंट्रोड्यूस अ पेंशन स्कीम फॉर इट्स करंट एज वेल फॉर्मर एम्प्लॉय. तो किसने अपॉइंट किया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL. दिस इज SIL, ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर लीजिए. SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. ओके, देन हमारा 45th क्वेश्चन है, विच कंपनी ओवरटेक्स एप्पल टू बिकम सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर आफ्टर सैमसंग. तो कौन सा बन गया सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मेकर आफ्टर सैमसंग? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हवाई. ओके, देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन. कौन अपॉइंट हो गए जी? करेक्ट आंसर होगा 15th फाइनेंस कमीशन के. प्रेजेंटली 14th फाइनेंस कमीशन चल रहा है. 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से स्टार्ट होगा 1st अप्रैल से. जिसके हेड होंगे एनके सिंह. प्रेजेंटली 14th फाइनेंस कमीशन के जो हेड हैं वाईवी रेड्डी. एंड जो अपॉइंट हुए फाइनेंस कमीशन के एडवाइजरी काउंसिल में 15th फाइनेंस कमीशन के, वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. सुभाष चंद्र गर्ग इज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया प्रेजेंटली. देन विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज वॉन इंस्टाग्रामर्स ऑफ द ईयर 2019? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. प्रियंका चोपड़ा विद 39.5 मिलियन फॉलोअर्स. देन उसके बाद विद दीपिका पादुन सेकंड नंबर पे, इनके 34 मिलियन. एंड सारा अली खान, इनके अभी 10 लाख भी नहीं. एंड आप हमें भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, 10 मिलियन भी नहीं, इनके 9.5 मिलियन है. तो आप हमें भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल का नाम सर्च कीजिए. एंड अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया अपना पेज, तो वहाँ पे आपके विद हमारे इंडियन फ्लैग की डीपी लगी हुई है. कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो रहे थे, एक्चुअली 2-3 पेज बने. तो हमारा जो डीपी है वो इंडियन फ्लैग है. तो आप वहाँ पे आके हमें फॉलो कर सकते हो कोई भी क्वेरी के लिए. ज़ेवियर हर्नांडेज़ रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट. ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट करते थे? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब एंड स्पेन के लिए खेलते थे. करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल. इज रिलेटेड टू फुटबॉल. नेशनल स्पेस डे 2019 वॉज और ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है हर साल फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मई. तो इस बारी कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया? 3 मई को. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू सेंड ए सोलर प्रोब टू स्टडी अबाउट द सन. दस मिशन का क्या नाम होगा जिसके तहत हम सोलर प्रोब सेंड करने वाले टू स्टडी अबाउट द सन? करेक्ट आंसर होगा आदित्य L1. महाविजारा लॉन्कन हैज क्राउन द किंग ऑफ विच कंट्री? तो कौन से कंट्री के राजा बन गए जी? थाईलैंड. भूषण पटेल हुआज गिवन रेजिग्नेशन वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंपनी? किस कंपनी के प्रेजिडेंट थे? पेटीएम. आर्टिकल कोलगेट 2.0 ऑथराइज बाय होम हैज वॉन ACG अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 2018. तो किसे सम्मानित किया गया? कोलगेट कोलगुटाले पे इन्होंने एक लेख लिखा था जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया. करेक्ट आंसर होगा नीलिमा MS. हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा. तो मिंत्रा ने अपॉइंट किए, किस किस को अपॉइंट किए? विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, रिसेंटली गेम चेंजर अभी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई, ठीक है. तो आपको जिसे वजाहत खान ने लिखा, तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी की. देन ऑन विच डे वर्ल्ड लाफ्टर डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? दिस वॉज ऑब्जर्व फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मई. ओके, तो इस बारी कौन सी डेट को आया? 5 मई को आया. देन 56 क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट पुलिस गेट्स एन ऑल वुमेन पेट्रोलिंग यूनिट रानी अब्बा का फोर्स? स्पेशली ईव टीजिंग के लिए या वुमेन्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ वगैरह होती है उसके लिए एक स्पेशल फोर्स इंडक्ट की गई रानी अब्बा का फोर्स. तो कौन से स्टेट को मिली? करेक्ट आंसर होगा जी सिटी में, मैंगलोर की, कर्नाटका. करेक्ट आंसर मैंगलोर. विच नेशन पार्लियामेंट बिकेम द फर्स्ट टू इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट एमरजेंसी? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए UK. द एशिया पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो हाउ मच परसेंट इन 2019 अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.7%.
इंडिया विल परचेज 10 कमो 31 चॉपर्स कौन सी कंट्री से खरीदेगा? करेक्ट आंसर होगा रशिया. रिसेंटली हु हैज बीन स्वॉन इन एज द नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टॉप मिलिट्री ऑफिसर ऑफ नाटो मिलिट्री अलायंस? तो कमांडर अपॉइंट हुए. कौन अपॉइंट हुए? टॉड डी वोल्टर्स. देन विच कंट्री विल होस्ट वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2019? तो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? हमारा अपना भारत ही करेगा. भारत में कहाँ होगा? जयपुर में. ओके, तो ये हो गए जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉप 60 क्वेश्चंस शेयर किए. आई होप थोड़े जल्दी किए, आप सबका क्विकली रिवीजन हो गया. एक रैपिड फायर आपके साथ एक टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहता था, आई नो डिटेल तक एक्सप्लेन नहीं किया, बट दिस इज इफेक्टिव. आई नो कि ये आप इस तरह से रिवाइज करोगे तो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा. आई होप सबने अपने वीडियो इंजॉय जरूर किया होगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. पीडीएफ के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. एक्चुअली थोड़ी जल्दी भी कर रहा हूँ. एक्चुअली देखो यार, आप लोगों को सपोर्ट बिल्कुल, मुझे हम बिल्कुल सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है. आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, एंड इसी तरह के वीडियोस में आपके लिए पूरी अपना टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एक चीज़ है कि आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो देन श्योरली एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन मिलती है. राइट नाउ अभी अराउंड 10 बज चुके हैं एंड मैंने 10:30 निकलना भी होता है. तो वन थिंग यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग वेट कर रहे हो, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा. इस तरह से रिविजन करवाना आप सबको, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए. आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए हमारे चैनल के प्रति, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट रहें एंड आपको इससे भी बेटर बेटर वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे.